गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। इस वीडियो के साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है जिसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, या इन जनरल हम जिसे इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इम्पोर्टेंस हमें पता ही है, इट पावर्स मॉडर्न वर्ल्ड एंड यूज फॉर लाइटिंग, हीटिंग, कुकिंग एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा। फॉर द पर्पस ऑफ लाइटिंग, कूलिंग, हीटिंग, तो मॉडर्नाइजेशन इज नियरली इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स वाई दिस कोर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। नाउ कमिंग बैक टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और वी कैन से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्ज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज चार्ज? तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फिनोमिना। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ज पार्टिकल, वी हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड द चार्ज इज एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.602 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम्स एंड इन प्रोटॉन ई इज इक्वल टू, और एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम। एंड कूलम्ब इज the unit of electrical charge in the international system unit SI, spelling and this coulomb is equal to electrical charge delivered by 1 ampere of current, 1 ampere of constant current in 1 second. So this is important. How can we define coulomb? So it is equal to electrical charge delivered by a 1 ampere constant current in 1 second. Now coming to force between charge particle, these charge particles electron and protons, we know charge particle exhibit force like charges can repel each other and opposite charges like positive and negative attracts each other or attract one another. So basically charge is the source of one of the fundamental forces. Charge is the source of one of the fundamental forces in the nature, just like your electromagnetic force and gravitational force. So this is fundamental force available in nature. और इन charges के flow को ही electrical current कहते हैं। The flow of charge is known as electrical current. और note करते हैं I से, so charge divided by time is your current, so
unit of charge is coulombs. Divided by second or equal to q divided by t, and the unit of current is amperes. Ampere. An ampere is the number of अगर ampere को define करना हो तो an ampere is the number of electrons having a total charge of 1 coulomb moving through a given cross section in 1 second. और जैसा definition से है, current flow जो होता है वो direction of positive charge. तो let us assume कि हमारे पास एक battery है और इस battery को हमने एक resistance में कनेक्ट कर रखा है. दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल. वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज आर. तो वी वोल्ट की अगर ये बैटरी है तो जो करंट फ्लो होगा आई, ओम्स लॉ से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई इनटू आर. तो ये आपकी करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में होगा. प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव प्लेट से निकल के मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज में. उसके रिवर्स हमने ज्यूम कर रखा है कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर नेगेटिव टर्मिनल में जा रही है. नेक्स्ट आते हैं कि ये तो हो गया चार्ज, चार्ज के बाद करंट, करंट के बाद आते हैं वोल्टेज पे. तो वोल्टेज क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट बिटवीन टू पॉइंट. तो हमें मालूम है चार्ज, फिर हमने देखा फ्लो ऑफ करंट. ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है जिसको हम करंट कह रहे हैं वो किस वजह से हो रहा है? तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया जिसकी वजह से ये फ्लो चार्ज का हो रहा है. ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इज द वर्क, फॉर एग्जाम्पल वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल. सो द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल is known as voltage across these two terminal. जैसे हम potential को define करते हैं कि एक unit positive charge को या एक elementary charge को infinite से एक particular point A तक लाने में जो work required या energy required, कहाँ से? From infinity. ये क्या कहलाता है? Potential of पॉइंट ए. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ऑब्वियसली ये डिफरेंस है तो दो पॉइंट के बीच में होगा, लेट सपोज बी एंड सी. तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, जब बी एंड सी के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज देखेंगे तो बी पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट तक लाने के लिए जो वर्क या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी आपकी 1 वोल्ट. क्लियर? और वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्यू. सो वर्क जूल्स डिवाइडेड बाय कूलम्स इज इक्वल टू वोल्ट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, अ वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर. इसको एक एग्जांपल से हमने समझ लिया, तो आई थिंक वोल्टेज समझ में आ गया होगा आपके. नेक्स्ट आते हैं हम पावर. तो द रेट एट विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क, द रेट एट विच एनर्जी इज कन्वर्टेड
और वर्क इज परफॉर्म्ड, ये पावर कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में हम पावर पी इज इक्वल एनर्जी डिवाइडेड बाय टी, तो जूल्स डिवाइडेड बाय सेकंड और वॉट। सो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो एक वॉट जो होता है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या क्या है ये, व्हेन वन जूल ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड और यूज्ड इन वन सेकंड। तो वन यूनिट ऑफ एनर्जी जब हम एक सेकंड यूज करते हैं तो वन वॉट होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये बेसिक टर्म है जो हम इम्पोर्टेंट इसमें देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लिंक टुगेदर इन अ क्लोज पाथ सो इलेक्ट्रिकल करंट में फ्लो कंटिन्यूसली। जैसे एग्जांपल लिया हमने, एक बैटरी कनेक्ट की उसमें एक रेजिस्टेंस ले लिया, तो एक क्लोज पाथ होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने के लिए, ऑब्वियसली तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। तो एक क्लोज पाथ में फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का इंटरकनेक्शन, ये क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेक्स्ट हम इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो हमने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबसे पहले अगर मैं समराइज करूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन किया, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन हमने, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड हमने देखा चार्ज किसे कहते हैं या चार्ज क्या होता है बेसिकली, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये हो गया आपका चार्ज, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट हमने देखी कूलम, ठीक है, और यही चार्ज जो है वो सोर्स होता है, ये सोर्स है किसका, नेचुरल फंडामेंटल फोर्स। तो चार्ज जो है वो सोर्स होता है किसका, नेचुरल फंडामेंटल फोर्स का, और नेचुरल फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, या ये जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट, थर्ड जो हमने देखा करंट डिफाइन कैसे किया, चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। ड्राइविंग फोर्स जिसके कारण चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज। देन हमने फिफ्थ पॉइंट में देखा पावर और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को डिफाइन कर लिया। तो करंट की यूनिट एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और पावर की यूनिट वॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्किट एलिमेंट्स कवर करेंगे, उनका कैटेगराइजेशन लाइक एक्टिव एंड पैसिव, लीनियर एंड नॉन लीनियर, बाइलेटरल एंड यूनिडायरेक्शनल, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, विथ एग्जांपल हम इनका डिस्कशन करेंगे।